नमस्कार, दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। जिस महापुरुष के वंशज हैं, उन्होंने मेवाड़ के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है कि आज दिन तक वो जो है सर्वमान्य और पूज्य है। ज्येष्ठ भ्राता होते हुए भी उन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी को त्यागा। उनके पिता महाराणा राज सिंह जी की आज्ञा के अनुसार, और जब महाराणा राज सिंह जी को यह बहम हुआ कि जिसको मैंने छोटे को बड़ा बनाया जय सिंह को, तो और भीम सिंह जो है हर काम के अंदर उससे आगे है, तो उन्होंने भीम सिंह जी को बुलाकर और ये कहा कि जा मेरी तलवार ले और तेरे छोटे भाई का वध कर ले। तो भीम सिंह जी ने कहा कि पिताजी, ऐसा कौन सा कृत्य किया है इसने कि आप ऐसी बड़ी सजा दे रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं किया, लेकिन मुझे वहम है कि मेरी मृत्यु के बाद में तुम दोनों भाई आपस में लड़ोगे, क्योंकि तू जानता है भीम सिंह कि तू जय सिंह से उम्र में बड़ा है और अपने सिसोदिया वंश की परंपरा रही है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी का हक मिलता है। तो पुत्र भीम सिंह ने कहा कि बस इतनी सी बात है कि हाँ यही है। उन्होंने उसी वक्त जल मंगवाया, हाथ में जल लिया और पिता के सामने प्रण लिया जल डालकर कि आपकी मृत्यु के पश्चात, आपके दाह संस्कार के बाद मैं उदयपुर शहर में पानी भी नहीं पीऊंगा। उनका ननिहाल बेतला था और उनके दाह संस्कार के बाद में भीम सिंह जी और चले गए अपने ननिहाल बेतला। 6 महीने के अंदर ही सभी मेवाड़ के उमराओं ने मिलकर, मेवाड़ के मेहता मसूदियों ने मिलकर और परेशान होकर महाराणा जय सिंह जी को मनाया कि औरंगजेब से संधि कर लीजिए। जब औरंगजेब से मेवाड़ की संधि हो गई, तब हमारे पूर्वज भीम सिंह जी और जय सिंह जी के पास में गए। इन 6 महीनों के अंदर जय सिंह जी ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की कि भीम सिंह जी को मैं इतनी जागीर दे दूं, क्योंकि वैसे तो महाराणा के छोटे भाई को केवल 3 गांव जागीर में दिए जाते थे, 2 या 3 गांव। लेकिन जय सिंह जी की इच्छा हुई कि आप जो चाहो, जो जितनी बड़ी जागीर ले लो। लेकिन भीम सिंह ने कहा कि मैं तो और पिताजी को ये वचन दे चुका हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर। और जब इन्होंने संधि कर ली औरंगजेब से, तो भीम सिंह जी आए जय सिंह जी के पास में, उनसे विदाई लेकर मांडल आए। मांडल उस समय और मुगलों के अधीन था, यहाँ से वे सल्लार रहता था। उसको कहा, क्योंकि उनको मालूम था कि औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब अजमेर में मुकाम कर रहे हैं, कि कहा कि जाओ और बादशाह को इतला करो कि मैं भीम सिंह राज सिंह जी का राजकुमार हूँ, महाराणा राज सिंह का, और मैं उनकी सेवा माना चाहता हूँ। वैसे ही जैसा ये मालूम पड़ा, घुड़सवार अजमेर गए और 3रे दिन वापस आकर कहा कि बादशाह ने आपको ये आदेश दिया है कि आप अपने परिवार को बनेड़ा छोड़कर और सीधे अजमेर आ जाए। तो 8-10 दिन बाद ही वो मांडल से आए बनेड़ा, अपने परिवार को यहाँ पर छोड़कर और सीधे गए। और पहले ही दिन बादशाह ने उनको
बनेड़ा परगना, उसके साथ साथ में उज्जैन के पास में बड़नगर बदनावर परगना और 3,000 का मनसब जो बाद में 5,000 को का हुआ वो दिया। बीच में उनको 12 परगना भी दिया और एक बार तो जयपुर के महाराजा से खिन्न होकर औरंगजेब ने उनका मालपुरा परगना छीन कर और भीमसेन जी को दे दिया था। काफ़ी समय तक उनके पास में रहा लेकिन फिर औरंगजेब को बादशाह को खुश करके मनाकर और वापस मालपुरा और जयपुर को सौंप दिया गया। इस वजह से आज दिन तक हमारे परिवार ने मेवाड़ की 1 इंच भी भूमि जागीर के रूप में बख्शीश के रूप में हमारे पास में नहीं है। हालांकि हमारे ये गांव था रीछड़ा जो महाराणा प्रताप सिंह जी ने जब्त कर लिया था लेकिन राजा भीम सिंह जी के 4थी पीढ़ी में राजा सरदार सिंह जी के समय ऐसा एक जो है संकट आया कि हमें राजा सरदार सिंह जी को महाराणा मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उसके पश्चात ही हम महाराणा मेवाड़ के जागीरदार के रूप में और उमराओं से भिन्न हमारी बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन हम आज भी मेवाड़ के प्रति वही जो है स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं। हमारे पूर्वज महाराणा राज सिंह जी शिप्रा के युद्ध में मेवाड़ की सेना में की तरफ से और उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसके पश्चात हम सभी महाराणा मेवाड़ के प्रति और पूर्ण स्वामी भक्ति से मैंने भी महाराणा महेंद्र सिंह जी को गद्दी नशीनी के समय में मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा का अध्यक्ष था तो मैंने मेरा कर्तव्य निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद।